तोरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओरे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले एकदम नंगा कर दो इसे। चलो उतार पानी आने, बस 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 कौन डॉक्टर क्या हम आपसे कुछ कहा था क्या बहन सुभन कि अगर हमारी जिंदगी में क्या बताए सुभन पवन हमने कहा था कि तू इतना परेशान होगा क्या कि खुद को पागल हो जाएगा और प्यारी में तू बहन हकीकत में से छोड़ दो और चलो हाँ अब ये पागल हो के मर जाएगा। हम तीनों का इल्जाम पूरा भुगतान करके तब मरेगा साला। जाओ पैगाम बढ़ाते हैं सुमन बहन तो मुझे छोड़ करके चली गई सुमन और खुद प्यार किया खुद कौन है हाथों में हो तो माँ भाली उसके बावजूद पूछते हो आप लोग कौन है क्या क्या बताएं मुझे लोग तो पवन कहते हैं क्या ये बताओ आप लोग कौन है
क्या आप कौन हो? हम लोग पवन तुम्हारे तुम्हारी टांगे नोच कर फेंक देंगे साले। पवन कहो ये तुम्हारी हालत और मेरा नाम अजय है। पवन नहीं तू मेरी बहन का कातिल है रे। नहीं पवन मैं तेरी बहन का कातिल नहीं हूँ। मेरी बात सुनो पवन, क्या तू कातिल नहीं है? हाँ मैं तेरी बहन का कातिल। तो कौन कातिल है? मैं तुझे धमकी दे करके गया था कि मैं तेरी बहन को मार दूंगा। वो बात सोनू गुंडा वो मंत्री चरणदास से भानु प्रताप ने हमसे पहले जान गए। अच्छा और जब तक मैं तेरे मकान तक पहुंचा तेरी बहन मिलने के वास्ते निकली और मैं जब उसे पाया तो उसके शरीर में गोली लग चुकी थी। क्या गोली लग चुकी थी? मैंने तेरी बहन से पूछा कि बोल तुझे किसने मारा है? तो तेरी बहन ने बताया कि मुझे सोनू गुंडा ने मारा है। क्या सोनू भाई ने मारा है? क्या तुमने नहीं मारा है? मैंने नहीं मारा है। अरे तू माम हमारी की कसम खा करके कह दे कि अजय ने नहीं मारा है। पवन मैं इस माँ भवानी की कसम खा करके कहता हूँ मैंने तेरी बहन को नहीं मारा है। नहीं मारा है, नहीं मारा है। अरे अजय जब वो तरीके ने मारा है। हाँ क्या वही जो मंत्री है? सच कहते हो मंत्री चरणदास तुमने मेरी बहन को मारा है? तुझे पानी में ना डुबा के मारा क्यों नहीं? तो मैं अपना पवन पवन ये आपके सामने जो शेरनी खड़ी है तो इसे नहीं तुम जानते हो? मैं नहीं जान सका। अगर इसे जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में हलचल सी मच जाएगी। ये तुम्हारे सामने जो शेरनी खड़ी है इसका नाम भारती भारती देवी। ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये काले पत्र तुम धारण कर दिया? ये भी पवन मैंने कोई अपने माँ के कोख से नहीं नहीं पैदा किया था। अच्छा, तो मैं मालूम था मेरे दफ्तर में जब खून हुआ था तब इसका भाई मरा था। अब तुम्हें ने कहा था कि खून तुम्हें ने किया है और साथ साथ मेरी इज्जत लूट ली गई। जहाँ तक मेरे पिताजी को मार दिया गया और मेरी बहन जैसी सहेली को मार दिया गया, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर मौन बैठी रहूं। ऐसा कभी मुझसे नहीं होगा। क्या क्या वही सोनू गुंडा ने आपकी इज्जत को तार तार कर दिया? जी हाँ भारती आप क्या चाहती हो तो
देखो भाई अब हम बहुत बड़ा मौलाना हो गए हैं, ठीक है सोनू, समय 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 खुदा पाक का पाक का नाम लूंगा और सामने मस्जिद बनी है मस्जिद में नमाज अदा करूंगा और उसके बाद हम सीधे मदीने चले जाएंगे, ठीक है सोनू। तुम अब मस्जिद को जाओ नमाज पढ़ के और तब तक तुम जाओगे मक्के को, हाँ, और हम चले जाएंगे कहाँ को, कहाँ को, हम चले जाएंगे हरिद्वार को, जाओ जाओ जाओ, ठीक है, और हम मस्जिद जाएंगे नमाज अदा करेंगे उसके बाद हम मदीना सीधे चले जाएंगे और मेरे आका मेरे सरकार मदीने गंगा सागर के लिए लग जा रहे हैं। बोबो नहीं यार, हम बाबा है बच्चा, बाबा, हाँ हाँ हाँ, और तुम्हें गंगा सागर अगर चलना है तो बिना किराए के गाड़ी में बैठो, हम हुआ नहीं जी भैया, इससे भी पवित्र कोई जगह है, तुमका हुआ ठीक नहीं है यार, फिर कहाँ हम चले जाने जाएंगे, ना तुम काशी जाओ, ना काशी जाओ, ना मथुरा जाओ, ना वृंदावन जाओ, ना हरिद्वार जाओ, तुम सीधे हत्याहारण चले जाओ। हम गाय मत डरे हैं का, हाँ यार तीनों तीरथ हुई जी है, तीनों तीरथ, हाँ, ये कौन कौन से तीरथ, और ना माने तो तीनों वह दिखाई दी तीरथ तुमका, मतलब यही पर तीर्थ हो जाए, हाँ, बताओ जब तुम कनवा जाओगे, हाँ हाँ कनवा जाएंगे, कनवा से हत्याहारण आओगे, हाँ, और हत्याहारण हो के नीम खा नहा घर चले आओ, तीनों सच कहा सच कहा, तो अब हम पहले हत्याहारण ही जाएंगे, हाँ तो भज ले राम राम राम, भज ले राम राम राम, मनवाले मौलवी हो, अगर तुम्हारे घर में कोई बाला बधा है,
ऐसी फोक डाल दूंगा सारी बधाई दो, क्योंकि असली मौलाना हो तुम। ठहरो नौकर, इसे पकड़ो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी कहो। नाम क्या है तुम्हारा और बता दो मुझे,
और हम काना मारे हमारे बिटिया प्रसाद ले को हो तुम आओ देखो तुम तो माधु साहब हाँ तू बिन तारू की तारू तुही है तू बिन संसारी तुही है इसके ये चटा जाओ और चटा जाओ इसके सब बाल नोच लो भैया बाल ना नोचो देख मुझे लोग पवन कहते हैं पवन और क्या तू तो समझा था पवन को मार दूंगा अरे तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा कपड़ा निखार मंत्री जी, 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 जी और तूने हक में हमारे
करो चलो स्पी को देखना है क्योंकि गाया है अभी भी मुझे थोड़े में डाकू हो गई है और पान उस पर टहल वो भी उस साथ पे हो गए हैं सभी एक हो गए हैं वो देखता है कि मेरे जान का खतरा हो जाए मैं प्रशासन बनवा लूं थाना मोहली से चले जाऊं बस कहां जा रहे हो बदली कराए ना हैं कहां को जा रहे हैं एसपी साहब अरे देख वही पवन है और ये सब तुम्हारी ही चाल थी अरे नहीं सर ऐसी बात मत कहिए मैं आपके साथ ये सब तुम्हारी चाल ही थी यहाँ घुंडा गर्ती नहीं चलती सब तुम्हारे चलाए से चला है और तो तुम देख लिए यहाँ पर आकर अपनी अगर भलाई चाहते ये वर्दी उतार दो क्योंकि ये भारत किसान है इस पे हंटर चलाना नहीं चाहते हाँ हाँ सर सर मैं वर्दी उतार दूंगा मैं टाइम पर चाहता हूँ कि हाँ चलो वर्दी उतार दो चलो मंत्री और अपना ट्रांसफर करा लो चले जाओ हाँ चलो वर्दी उतार दो क्योंकि तुम वर्दी के लायक नहीं हो तुम साले कमीशन बहुत खाते हो अब क्यों नहीं ये वर्दी उतार नहीं जाए पार्टी उतार देते हो क्योंकि ये भारत की चान है ये तुम्हारे पहनने लायक नहीं है वर्दी क्योंकि वर्दी का जो हक है वो नहीं निभा पाते हो आप क्योंकि तुम्हें तो पैसों से सर मेरी गलती बस से मतलब है ना मजबूरी में हुआ है मजबूरी किस बात की जो मंत्री का कहना नहीं मानते सोनू का तो गोली से मार देता अच्छा तुम मानने से डरते हो बचपन नहीं खाते तब भी मान डालते माला लेकर के आओ मैं चले जाऊँ कहाँ को रे पहले माला से स्वागत किया जाए पहनना है हेलो इधर 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 बात कर मुझसे इंस्पेक्टर मुझे पहचानो हाँ हाँ भारती देवी भारती देवी पहचान गया मंत्री को पहचाना था जो सब कर कराया था तो मेरी सरकारी कर्मचारी को संसार में रहने की कोई जगह नहीं ये हमारी म्यूजिक रेट संगीत पार्टी ग्राम जगसर पोस्ट सरसवा है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी और इसके संचालक है हमारे सतीश भौजी ग्राम जगसर पोस्ट सरसवा है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी और इसके साथ साथ मैनेजर है हमारे राजेश राज ग्राम दहरापुर महादेव जय भारत।